गोपाष्टमी पर गोवर्धन गौशाला महावीरपुरा गुना में पूजन कर गौवंश को विशेष आहार में हरी घास एवं तेल गुड़ के साथ दलिया खिलाया गया। गोवर्धन गौशाला महावीरपुरा गुना में परंपरानुसार गोपाष्टमी पर गौवंश की पूजन कर आरती उतारी गई एवं विशेष आहार में गौवंश को गुड़ एवं सरसों का तेल के साथ दलिया व हरी घास गौ सेवकों के द्वारा दी गई। इस अवसर पर उपस्थित नगर के गौ प्रेमी राजेंद्र सिंह सलूजा, राधेश्याम पारिक, माता दीन जाटव, नंद किशोर अग्रवाल, गिरिराज अग्रवाल, महेंद्र सिंह रघुवंशी, गोपाल स्वर्णकार, पप्पू किरार, अनिल भार्गव सहित अनेक गौ सेवक उपस्थित रहे। पूजन के बाद एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। साथ ही गौशाला की भूमि पर गाय पर आधारित उत्पादन प्रारंभ करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्णय भी लिया गया। गोवर्धन गौशाला समिति गुना ने पशु प्रेमी जनों से अक्षय पुण्य लाभ लेने के लिए अपने बच्चों के जन्मदिन और अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में गौ माता को आहार हेतु दान करने की अपील की है। आज गोवर्धन गौशाला महावीरपुरा में गोपाष्टमी का आयोजन रखा गया। बताइए आप गोपाष्टमी के विषय में अपने विचार। आज गोपाष्टमी का पावन दिन है। वो गौ माता जिसकी रक्षा के लिए, जिसको समृद्ध बनाने के लिए इस भारत देश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और आज के दिन से उन्होंने नंद बाबा के यहाँ गाय चराने का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ किया था। ऐसी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को आधारित मानकर हमारे देश की कृषि, हमारे देश की उन्नति, आर्थिक समृद्धि, इन सब के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि गौ माता हमारा एक प्रतीक चिन्ह है कि जिसके आधार पर हम इस देश को सुसंस्कृत और वैभवशाली बनाए। आप आज के समय में हम कल्पना कर सकते हैं कि गाय चराना ये कितना एक निम्न स्तरीय कार्य है। उस काम को भगवान कृष्ण ने किया और वो वास्तव में नंद बाबा के यहाँ पैदा हुए थे और नंद बाबा के यहाँ पैदा होने के कारण लोग उनको ग्वाला कहते थे और ग्वाला एक तरह का ऐसा निकृष्ट कार्य है जिसको हम आज भी अपने समाज में देखते हैं। कौन है ये गाय चराने वाला? उस गाय चराने वाले ने चक्रवर्ती सम्राट बन के बताया। ये उनके जीवन का एक विशेष वो है। हम जब उसको अध्ययन करेंगे तब हमको समझ में आएगा और आगे महाभारत के युद्ध में भी वो सारथी बने कि कोई जो वाहन को चलाता है, रथ हो या कोई भी गाड़ी घोड़ा हो,